सो फाइनली इंतजार खत्म हुआ है। हमारे यहाँ जम्मू के एक बहुत ही क्रेजी फैन थे जिन्होंने काफी दिनों से जो है बुकिंग करवा के रखी है आईफोन 10 की। आईफोन 10 जम्मू में भी आ चुका है। मैं आपको बताना चाहूंगा आईफोन 10 के बारे में। 12 सितंबर को इसकी जो है अनाउंसमेंट हुई थी और उसके बाद 3 नवंबर को ऑल ओवर वर्ल्ड में यह है मोबाइल जो है लॉन्च हुआ और आज जम्मू में भी आ चुका है। हालांकि कम स्टॉक्स में आया है लेकिन आईफोन 10 जम्मू में आ चुका है और आज हम आपको मिलवाएंगे आईफोन 10 के पहले कस्टमर से। कौन से वो कस्टमर है, कौन से वो क्रेजी कस्टमर है जिन्होंने आईफोन 10 यहाँ पे जम्मू के पहले कस्टमर बनेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कुछ दिन से एक वीडियो वायरल हो रहा है, घोड़े पे एक कस्टमर आ रहा है और घोड़े पे उसने जो है आईफोन लेके जा रहा है। तो जहां घोड़े या घोड़ी हम लोग शादी ब्याह में देखने को मिलते हैं कि लोग बड़े खुशी में शादियों में जो है आते हैं, लेकिन आईफोन के लिए भी अब इसी तरह से आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्रेज आईफोन का काफी बढ़ा हुआ। इसी तरह से एक वर्ल्ड वाइड कस्टमर भी है। सुना ऐसा था कि जिस दिन से अनाउंसमेंट हुई थी आईफोन 10 की उस दिन से वो दुकान के बाहर ही सोया हुआ था और सारा कामकाज वहीं से चला रहा था और वो ही पहला कस्टमर बना वर्ल्ड वाइड। और आज जम्मू में हम आपको मिलवाएंगे जो जम्मू के पहले कस्टमर बने हैं आईफोन 10 के। आईफोन 10 के बारे में अभी आपको काफी सारी चीजें बताएंगे कि क्या ऐसा आईफोन 10 में है जिस कारण लोग जो है उसके फैन बने हुए। तो आइए हम आपको लिए आए हैं आई कंसेप्ट जो कि एप्पल का ऑथराइज्ड यहाँ पे शॉप है जहां से आपको जहां पे पहले कस्टमर है जो आईफोन 10 लेंगे। ये है आईफोन 10 आपके सामने है। जम्मू में भी लॉन्च हो चुका है। जम्मू में आज आईफोन 10 के पहले कस्टमर से भी आपको मिलवाएंगे। अब आईफोन 10 के फीचर्स क्या क्या हैं उसके बारे में भी बताएंगे और पहले हम आपको मिलवाते हैं कस्टमर से क्योंकि वो काफी क्रेजी हैं और काफी इस टाइम लेट भी हो रहे हैं। तो पहले हम उन्हीं से मिलवाते हैं। आपका नाम क्या है? दिवम गुप्ता, दिवम, आप पहले कस्टमर बनने जा रहे हैं तो कितनी खुशी हो रही है और कितने दिन से इंतजार था? मेरे को 12 सितंबर से इंतजार था, जब से लॉन्च हुआ है वो, एक रिलीज हुआ है वर्ल्ड वाइड, तो मेरे को तब से मैं इनकी शॉप की चक्कर ही लगा रहा हूँ, कब आएगा कब आएगा, तो अब तो फाइनली मिल ही गया, काफी लेट मिला हुआ है। चलो ये तो बात थी आईफोन की। आईफोन के अलावा भी कभी इतनी क्रेज हुई है किसी चीज की नहीं सर, आईफोन के लिए ही क्यों? एक फॉर्म फैक्टर है उसमें, बस एक पकड़ा हुआ अच्छा लगता है। पकड़ा हुआ अच्छा लगता है। इससे पहले कौन सा फोन यूज कर रहे हैं आप? इससे पहले मैं आईफोन 7 यूज कर रहा हूँ। तो आप दोस्तों में फिर काफी खबर फैलने वाली है कि दिव्यम, दिव्यम नाम बताया, दिवम, हाँ दिवम में दिवम जो है आईफोन 10 लेके आ रहा है। तो जी, अब आईफोन 10 लेके कहाँ जाना है? कि मंदिर अंदर जाना है कि नहीं मुझे सर, सबसे पहले मिल रहा है? नहीं सर, नहीं पहले घर ही, तो आप भी तो नहीं कहीं घोड़े वगैरह पे नहीं सर, मैं आए? बाइक लेके आया हूँ। अच्छा आप बाइक लेके आए हैं। आपने हाँ देखा एक कस्टमर है वो आईफोन लेने के हैं घोड़े के ऊपर, हाँ सर, जैसे मुंबई में हूँ। कोई बारात लेके जा रहे होते हैं। हाँ सर, आप बाइक लेके आए हाँ जी, तो खुशी हो रही है अब बहुत फाइनली। ज्यादा। हाँ मैम आपका नाम क्या है? तनिषा तनीषा, जी, आज आईफोन जो है यहाँ पे लॉन्च हो रहा है, कितना स्टॉक्स आया हुआ है अब आप पता नहीं बताएंगे कि नहीं बताएंगे, लेकिन कस्टमर्स में इस टाइम काफी ज्यादा जो है क्रेज आईफोन के लिए, क्या कहना चाहेंगे और कब से आपके पास लोग आ रहे हैं? और एक्चुअली स्टॉक्स आर एट ह्यूज शॉर्टेज एंड द रीजन बिहाइंड दिस इज दैट वर्ल्ड वाइड सेम डे पे लॉन्च हुआ है। इंडिया में ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि जिस दिन लॉन्च हुआ है उसी दिन, सेम पर्टिकुलर डे जिस दिन वर्ल्ड वाइड लॉन्च हुआ है यूएस में, उसी दिन हमारे पास इंडिया में भी स्टॉक्स आए। सो द स्टॉक्स वर ऑन ह्यूज शॉर्टेज, जम्मू बीइंग नॉट बीइंग एन मेट्रो सिटी, तो हमारे को थर्ड को स्टॉक्स नहीं मिले थे। वी आर गेटिंग इट टुडे एंड स्टिल द स्टॉक्स आर वेरी वेरी लो, सो इतने कम है कि हम आपको नंबर्स भी नहीं बता सकते हैं। मैम जो अभी ऑडियंस हमारे साथ लाइव जुड़ रही है ना वो एक ही चीज पूछ रही है कि इसकी प्राइस क्या है। तो क्योंकि आईफोन है तो लोगों में ज्यादा क्रेज रहता है कि एक तो प्राइस भी पता चले कितने का है आईफोन 10 आया, तो मैम थोड़ा सा यस, बता देंगे? iPhone 10 में हमारे पास दो वेरिएंट्स हैं, वन इज 64 GB एंड वन इज 256 GB। 64 GB का प्राइस रहेगा 89,000 एंड 256 GB का प्राइस है 1,02,000। तो मैम कब से कस्टमर्स कितना रोज आपको किस तरह तंग किया हुआ था कि कब आएगा कब आएगा? वन ऑफ द कस्टमर्स जो मुझे याद है वो दिवम है, बिकॉज ये सिंस डे वन, दैट वाज 12 सितंबर को ये यूएस में लॉन्च हुआ था। सो 13 सितंबर मॉर्निंग से ही हैड स्टार्टेड कमिंग टू अस कि व्हेन इज 10 कमिंग टू यू, व्हेन इज 10 कमिंग टू यू। सो वी केप्ट ऑन टेलिंग हिम दैट कि नवंबर में आएगा, नवंबर में आएगा। सो फाइनली नाउ द 10 हैज कम, मैम सो अब ही ना इज द फर्स्ट वन। कस्टमर्स जम्मू में देखना चाहते हैं कि आईफोन 10 को पहली बार, तो वो भी हम अभी दिखाएंगे। लेकिन आखिरी सवाल आपसे कि कस्टमर्स तो आपके पास काफी सारे आते हैं एप्पल, क्योंकि आपका एप्पल का जो है थ्राइस शोरूम है यहाँ पे आई कंसेप्ट, तो
मैम इस तरह का कस्टमर दिव्यम पहला ही नहीं था जो इतनी बार आ चुका है, या और भी आते थे कस्टमर? ऐसे और भी कस्टमर रहे हैं, बट ही इज अ रूटीन कस्टमर फ्रॉम 13th ऑफ सितंबर विद अस. और भी बहुत सारे कस्टमर्स आ रहे हैं. देयर आर लॉट ऑफ कॉल्स. 3rd नवंबर को जिस दिन इंडिया में लॉन्च हुआ है, उस दिन आई थिंक वी हैड ऑलमोस्ट 50 कॉल्स जो कि सिर्फ आईफोन 10 के लिए थी. नन अदर देन आईफोन 10, नो एक्सेसरी, नो अदर फोन्स. पीपल आर जस्ट क्रेजी अबाउट आईफोन 10. तो आईफोन 10 जम्मू में आ चुका है, हालांकि स्टॉक कम है, लेकिन किस्मत वाले कह सकते हैं जो जिनको ये मिलेगा मोबाइल. तो फिलहाल दिव्यम उनमें से एक है, आपको मिलवाया. अभी फिर से दिव्यम के पास जाएंगे और किस तरह से दिव्यम खुश है उसके बारे में फिर से बात करेंगे. आइए अब हम आपको दिखाते हैं आईफोन 10. तो खुलने वाला है आईफोन 10 का बॉक्स, ये आप देख सकते हैं, ये है आईफोन 10 आपके सामने. आईफोन 10 की बात करें तो एक बहुत ही अच्छी फीचर है इसकी, तो एज टू एज पूरी की पूरी स्क्रीन है इसकी. और जो चीजें हैं आईफोन 10 में वो भी आपको दिखाएंगे कि इसकी जो बॉडी है फर्स्ट टाइम स्ट्रॉन्गेस्ट जो इसका बॉडी पूरा का पूरा बनाया गया है, जो कि वर्ल्ड में स्ट्रॉन्गेस्ट जो इसका बताया जा रहा है. और उसके साथ साथ इसका कैमरा कैमरा भी बहुत ही अच्छा है, जो कि लाइक DSLR की पोर्ट्रेट मोड में आप फोटोग्राफ ले सकते हैं. फ्रंट कैमरा भी और बैक कैमरा भी. और उसके साथ साथ फेस लॉक है इसमें, कि आपका फेस रीड करता है और उसके बाद ही जो है लॉक ओपन होगा. अभी आपके सामने आई कंसेप्ट से मैम तनीषा है, आप देख सकते हैं कि कैमरा की क्लैरिटी कितनी अच्छी है. और इसके अंदर पोर्ट्रेट मोड्स भी हैं, जिसके अंदर आप बैकग्राउंड जो है डिफोकस कर सकते हैं, जो ज्यादातर हम लोग DSLR कैमराज में देखते हैं. तो फिलहाल अच्छा डेप्थ ऑफ फील्ड भी इन्होंने दिया गया है, साथ में आपका फेस लॉक जो कि फेस रीड करता है, पूरा एच टू एच डिस्प्ले है, वाटर रेजिस्टेंट है, वाटर प्रूफ है, और भी काफी सारी चीजें हैं. इसके प्रोसेसर की बात करें तो बायोनिक चिप सिस्टम लगा है इस पे, और भी काफी सारी चीजें हैं. तो फिलहाल आइए हम आपको दिखाते हैं, इनसे सुनवाते हैं कि क्या क्या और फीचर्स हैं. अब ये बताइए कि और क्या क्या फीचर्स हैं इस फोन में. सबसे पहले आपने देखा होगा कि आईफोन जो आईफोन रिसेंटली आईफोन 8 एंड 8 प्लस लॉन्च किया आपने, सो होम बटन के साथ था. सबसे पहली चीज ये विदाउट होम बटन है, इस फोन में होम बटन नहीं है. और बात करें अगर ग्लास बात करें इसकी बॉडी की, तो ये वर्ल्ड का मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एंड ड्यूरेबल ग्लास है जो अब तक स्मार्टफोन के अंदर इनबिल्ट किया गया है. जी उसके साथ साथ और क्या, उसके बाद बात करें अब तक सिर्फ आपने देखा होगा वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलर कैमरा था DSLR टेक के साथ था, बट इसके अंदर रियल में तो DSLR, बट अब फेस टाइम के साथ यानी फ्रंट कैमरे के अंदर भी ये DSLR इफेक्ट है. बात करें अब फिंगरप्रिंट तो बहुत ओल्ड हो गया, हाँ जी, हर फोन के अंदर फिंगरप्रिंट लॉक है, बट इसके अंदर एप्पल एक न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की है फेस आईडी. सो अब आपका फेस आपका पासवर्ड, आप अपने फेस को ही अपना पासवर्ड रख सकते हैं. बात करें अगर इसके जैसे अदर फीचर्स की, आप मेल्स ओपन करते हैं तो होम बटन नहीं है, आपको सिर्फ सिंगल स्वाइप से आप अपने मेन स्क्रीन पे जा सकते हैं. सो इसमें बहुत इजी कर दिया एप्पल ने. और बात करें सबसे यूनिक पॉइंट की इसकी, तो आप वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करते हैं. वायरलेस चार्जिंग साथ A11 बायोनिक चिपसेट के साथ है, वर्ल्ड का फास्टेस्ट चिपसेट जो अब तक किसी स्मार्टफोन के अंदर इनबिल्ट किया गया है. सो ये सारी खासियत है इसके. तो ये अब मेरे हाथों में आईफोन 10, आप देख सकते हैं काफी सारे फीचर्स के बारे में इनके बारे में इन्होंने बताया कि क्या क्या फीचर्स हैं. अगर हम बात करें इसके कैमरा की, तो ये आप देख सकते हैं इसका कैमरा की क्वालिटी बहुत अच्छी है, और DSLR इफेक्ट्स हैं इस कैमरा के अंदर. आप देख सकते हैं पोर्ट्रेट ले सकते हैं, जो चीज आप एक DSLR कैमरा के साथ फोटोग्राफ हम लेते हैं जिसमें बैकग्राउंड डिफोकस हो जाती है, डेप्थ ऑफ फील्ड आप दे सकते हैं, तो वो चीज आप इसके अंदर एक खुद से फोटोग्राफी कर सकते हैं. आपको DSLR कैमरा अपने साथ कैरी करने की जरूरत नहीं है. इसके साथ साथ अगर मुझे अभी ऑपरेट करना नहीं आता, अब वापस होम स्क्रीन पे कैसे जाएंगे, ये अब हम होम स्क्रीन में चले गए. साथ में उन्होंने बताया कि इसके अंदर जैसे आप मेल कोई ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये मेल आप ऑपरेट कर रहे हैं तो आपको वापस होम स्क्रीन में जाना, तो इसमें आपका होम बटन नहीं होगा, आपको डायरेक्ट जो है आप होम स्क्रीन में जा सकते हैं. और इसके साथ साथ वाटर रेजिस्टेंट भी है, और साथ में और भी काफी सारे फीचर्स हैं. फेस रीड करता है कि सपोज अगर मुझे इस फोन को लॉक करना है, तो मैं अपने फेस के फीचर्स के साथ इसको लॉक कर सकता हूं, तो जब तक मेरा फेस को ये रीड नहीं करेगा तब तक ये फोन जो है ओपन नहीं होगा. और साथ में इसकी बॉडी की बात की गई. अच्छा इसकी बॉडी के बारे में बताइए कि वर्ल्ड की जो है स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी बताया जा रहा है. आपने अब तक ग्लास देखा होगा, जो अब तक बहुत सारे ग्लास आते हैं बॉडीज के साथ, तो बहुत नॉर्मल ग्लास होते हैं, नॉर्मल गिरने से क्रैक हो जाते हैं, बट एप्पल ने जो इसके अंदर इनबिल्ट किया, जो ग्लास लगाया गया है, वो वर्ल्ड का मोस्ट स्ट्रॉन्गेबल ग्लास है. इसका स्ट्रॉन्गेबल इसलिए कहा गया क्योंकि ये नॉर्मल ग्लास के मुकाबले बहुत हार्डर रहेगा. अगर आपका फोन नॉर्मल तरीके से नीचे गिरता है तो कम से कम डैमेज ना होने के चांसेस हैं, बट अगर ज्यादा फोर्स से गिरता मे भी डैमेज हो सकता है, बट ये प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट ग्लास है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है.